नमस्कार जी, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस मशीन के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके नीचे के प्लेट के बारे में बात करेंगे। इसमें दो होल इधर की साइड और दो होल इधर की साइड और दो होल इधर लास्ट इधर की साइड होती है फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके जो हैंडल है, हैंडल ये टोटल 24 इंच की होती है, यानी 2 फुट के, ठीक है। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारी स्टॉपर होती है इसको रोकने के लिए, सरिया को जैसे कि डालते हैं, कि ये देख सकते हैं ये क्या करती है कि ये पीछे से इस सरिये को रोक के रखती है। और ये भी प्लेट सपोर्टिंग प्लेट है, ये भी स्टॉपर का ही काम करता है, पीछे से ये भी रोक के रखता है। और ये जो देख रहे हैं ये हमारी साइजर है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जैसे कि 7 का बनाना हो तो 4 पे ये सेट हो जाएगी और 7 पे ये सेट हो जाएगी, ये मूव करती है इधर और इधर, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ये फ्रेंड्स, ये है हमारी हैंडल की स्टॉपर, हैंडल को रोक के रखता है इसमें सेवर के। ये देख सकते हैं, जैसे 90 डिग्री बनानी हो या 45 डिग्री के लिए ये है, ठीक है। और ये जो स्टॉपर देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारी है राउंड रिंग बनाने के लिए, ठीक है। इस मशीन में आपको गोल और चकोर दोनों रिंग बन जाएगी फ्रेंड्स। और इस मशीन में आप 4 mm से लेके 12 mm तक का रिंग ईजिली बना सकते हैं। और इसमें आप 6 mm या 4 mm का रिंग एक बार में 4-4, 5-5 रिंग आराम से बना सकते हैं। अभी जैसा कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे पास ये जो सरिया है ये हमारे पास है, ये 6 mm की है और ये 4 है, और ये इजीली आराम से इसके अंदर आ जा रही है फ्रेंड्स। ऐसा अगर देख सकते हैं इजीली आ जा रही है। और ये फ्रेंड्स रिंग बनाने के लिए बहुत ही अच्छी मशीन है और इसमें बहुत ही इजीली रिंग बन जाती है फ्रेंड्स। ऐसा कि ये देख सकते हैं 4 आराम से आ जाती है। मैं आपको रिंग बना के दिखलाता हूँ कि इसमें कैसे आप आराम से इजीली एक बार में 4-4 रिंग बना सकते हैं फ्रेंड्स। इस मशीन में आपको 7x7 का एक बार में 4 रिंग बना के दिखला रहा हूँ। ये हमने 30 इंच की सरिया ले ली है, 6 mm की है, ठीक है। हम आपको एक बार में बेंड करके दिखाते हैं और इससे बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी रिंग बनेगी फ्रेंड्स। ये हमें इधर की साइड टच करानी है बस, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये अंगूठा धाम के रखना है जिससे ये सरिया का सपोर्टिंग बने हुए, ठीक है। इसमें जगह 5 भी रिंग आ जाएगी, लेकिन हम 4 ही बना रहे हैं कि इजिली बन जाए, 5 ही बन जाएगी अगर बनाना चाहे तो। बहुत ही कम ताकत लग रही है फ्रेंड्स, ये नहीं कि इसमें ज़्यादा ताकत लग रही है, बहुत ही ईजिली बन जा रही है। एक्चुअली हैंडल इसकी बड़ी है ना, इसलिए आराम से ईजिली बन जा रही है फ्रेंड्स। इसको ऊपर कर लेना है, ये ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। या तो हम एक बार में इसको बम मोड़ देंगे या फिर नहीं अगर आप किया तो फिर एक एक करके हम मोड़ सकते हैं। ये देख सकते हैं आराम से 4 रिंग बन गई है, इजिली बन गई है। और इस पर आप 8 mm का, 10 mm का, 12 mm का और 14 mm का अगर एल बनाना हो तो 14 mm का एल भी बना सकती है आराम से, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम आपको कुछ राउंड रिंग बना के दिखलाते हैं। ये स्टॉपर है, ये यानी एक तरह से ये हमारा साइजर हुआ बोल रिंग का। ये जितना आगे जाएगी उतना बड़ा रिंग बनेगा, ये जितना पीछे आएगी उतना छोटा रिंग बनेगा। मैं आपको आगे करके कर रहे हैं। मैं आपको राउंड रिंग बना के दिखलाते हैं फ्रेंड्स ना, ये देख सकते हैं। ऐसे सरिया लानी है, ये थोड़ा सा और बड़ा कर दें तो इजली बन जाएगी थोड़ा सा बड़ा। एक्चुअली ये दो रिंग शुरू शुरू में ख़राब होगी आपकी, तो उसके बाद आराम से बनने लगेगी। तो ये देखिए
ये देख सकते हैं हमारी ये कोलडिंग बन गई है। और इसके ऊपर से आप चाहे तो इसका मोड़ दे सकते हैं इस तरीके से, और एक मोड़ आ जाएगी हमारी यहाँ पे इस तरीके से। ये देखिए चलिए हम आपको 7x7 का एक सिंगल रिंग बना के दिखाते हैं। साथ में 6mm में फ्रेंड्स एक एक रिंग इतना इजीली मुड़ता है, आप देख सकते हैं बहुत ही इजी। बहुत ही इजी और बहुत ही फास्ट बनती है फ्रेंड्स। आपको थोड़ी सी देर साथ दिख रही होगी, फ्रेंड्स हम आपको 7x4 का एक बार में 4 रिंग बना के दिखा रहा हूँ 6mm की, ठीक है फ्रेंड्स। और हमने ये 30 इंच की ले लिया सरिया, ठीक है। सबसे पहले ऐसे डालना है हमें, ये हमारी हैंडल है, इसको ऐसे की ये मुड़ के फर्स्ट, दूसरा ये हमारी 7x7 है और ये 4x7 है, ठीक है। 4 पे लगाया अंगूठे से दाबा, ये मुड़ गए सेकेंड, ठीक है। ये मुड़ गई हमारी थर्ड स्टेप। यहाँ से हम क्या करेंगे कि सिंगल सिंगल बेंड करेंगे, एक्चुअली एक बार में 4 रिंग यहाँ पे बेंड करने में भूल गए क्योंकि ये हमारी डबल हो जाती है।